गुप्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर आज तक नहीं पढ़े जा सके इसके शिलालेख। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक भगवान है। यह हिंदू सनातन धर्म के एक प्रमुख देवता है जिनकी हर कोई पूजा करता है। वैसे तो भगवान शिव की अनेक गुफाएं हैं, पर यह गुफा बहुत रहस्यमयी है। इस गुफा के बारे में माना जाता है कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि खुद प्रकृति ने बनाया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। बिहार के प्राचीन शिवलिंगों में शुमार रोहतास जिले के गुप्तेश्वर धाम पर स्थित शिवलिंग की महिमा का बखान आदिकाल से ही होता आ रहा है। मान्यता है कि इस गुफा में जलाभिषेक करने के बाद भक्तों की सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। पुराणों में वर्णित भगवान शंकर व भस्मासुर से जुड़ी कथा जो जीवंत रखे हुए ऐतिहासिक गुप्तेश्वर नाथ महादेव का गुफा मंदिर आज भी रहस्यमय बना हुआ है। देवघर के बाबा धाम की तरह गुप्तेश्वर नाथ यानी गुप्ता धाम श्रद्धालुओं में काफी लोकप्रिय है। हाँ, बक्सर से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है। रोहतास में अव्यवस्थित विंध्य श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी के जंगलों से घिरे गुप्ता धाम गुफा की प्राचीनता के बारे में कोई प्रामाणिक अक्ष उपलब्ध नहीं है। इसकी बनावट को देखकर पुरातत्व विभाग अब तक यह तय नहीं कर पाया कि यह गुफा मानव निर्मित है या प्राकृतिक। श्याम सुंदर तिवारी जो कई इतिहास की पुस्तकों को लिख चुके हैं, वे कहते हैं कि गुफा के नाचघर व घुड़दौड़ मैदान के बगल में स्थित पाताल गंगा के पास दीवार पर उत्कीर्ण शिलालेख, जिसे श्रद्धालु ब्रह्मा के लेख के नाम से जानते हैं, को पढ़ने से संभव है इस गुफा के कई रहस्य खुल जाएं। गुफा में गहन अंधेरा होता है, बिना कृत्रिम प्रकाश के भीतर जाना संभव नहीं है। पहाड़ी पर स्थित इस पवित्र गुफा का द्वार 18 फीट चौड़ा एवं 12 फीट ऊंचा मेहराब नुमा है। गुफा में लगभग 363 फीट अंदर जाने पर बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें साल भर पानी रहता है। श्रद्धालु इसे पाताल गंगा कहते हैं। गुफा के अंदर प्राचीन काल के दुर्लभ शैल चित्र आज भी मौजूद हैं। इसके कुछ आगे जाने के बाद शिवलिंग के दर्शन होते हैं। गुफा के अंदर अव्यवस्थित प्राकृतिक शिवलिंग पर हमेशा ऊपर से पानी टपकता है। इस पानी को श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शिव ने यही ली थी भस्मासुर से बचने के लिए शरण। इस स्थान पर सावन के महीने के अलावा सरस्वती पूजा और महाशिवरात्रि के मौके पर मेला लगा रहता है। जनश्रुतियों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव ने भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर उसे किसी के सिर पर हाथ रखते ही भस्म करने की शक्ति का वरदान दिया था। भस्मासुर मां पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर शिव से मिले वरदान की परीक्षा लेने के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वहां से भागकर भोले यहां की गुफा के गुप्त स्थान पे छुपे थे। भगवान विष्णु से शिव की यह विवशता देखी नहीं गई। उन्होंने मोहनी रूप धारण कर भस्मासुर का नाश किया। उसके बाद गुफा के अंदर छुपे भोले बाहर निकले। सासाराम के वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी कहते हैं, शाहबाद गजेटियर में दर्ज
फ्रांसिस बुकानन नाम अंग्रेज विद्वान की टिप्पणियों के अनुसार गुफा में जलने के कारण उसका आधा हिस्सा काला होने के सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ भक्तों का लगा रहता है तांता। सावन में एक महीने तक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल से हजारों शिव भक्त यहाँ आकर जला अभिषेक करते हैं। बक्सर से गंगा जल लेकर गुप्ता धाम पहुँचने वाले भक्तों का तांता यहाँ दिन भर लगा रहता है। चंद्रकांता में भी है इसका जिक्र। लोग बताते हैं कि विख्यात उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री ने अपने चरित्र उपन्यास चंद्रकांता में विंध्य पर्वत श्रृंखला की जिन तिलस्मी गुफाओं का जिक्र किया है, वह संभवतः उन्हीं गुफाओं में गुप्ता धाम की यह रहस्यमयी गुफाएं भी हैं। वहां धर्मशाला व कुछ कमरे अवश्य बने हैं, परंतु अधिकांश जंजर हो चुके हैं। गुप्ता धाम गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी से वर्ष 1989 में हुई आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं की मौत की घटना को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। बैरिया गांव के उमेश सिंह बताते हैं कि इस घटना के बाद ही प्रशासन की ओर से यहां कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जाने लगे थे। प्रशासन की ओर से चिकित्सा शिविर भी लगता था, परंतु वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किए जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर दी जाने वाली सभी सुविधाएं बंद हो गई हैं। अब समाज सेवियों के सहारे ही इतना बड़ा मेला चलता है। जिला मुख्यालय सासाराम से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस गुफा में पहुंचने के लिए रेहल, पनारी घाट और कुगहनी घाट से तीन रास्ते हैं, जो अति विकट व दुर्गम है। दुर्गावती नदी को 5 बार पार कर 5 पहाड़ियों की यात्रा करने के बाद लोग यहां पहुंचते हैं। तो ये था गुप्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर और उससे जुड़ी रोचक कथा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इससे हमारा वीडियो आप तक पहुँचेगा सबसे पहले।